हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए शिक्षण कौशल टॉपिक लेके आए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आने वाले एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं शिक्षण कौशल की परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम शिक्षण कौशल की परिभाषा। शिक्षण कौशल की परिभाषा हम जानेंगे, शिक्षण कौशल क्या है। तो डॉक्टर वीके पाशी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारिक का समूह है। ये है डॉक्टर वी के पाशी के अनुसार। अगला राइटर के अनुसार देखेंगे हम मेक इंटेयर एवं व्हाइट के अनुसार देखेंगे शिक्षण कौशल की परिभाषा। शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है और सीखने में सुगमता प्रदान करती है। अगला देखेंगे, अगली परिभाषा है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षक की हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है एवं कक्षा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। तो ये थे शिक्षण कौशल की परिभाषा। आगे देखेंगे शिक्षण कौशल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे शिक्षण कौशल की निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरा है यह समस्त अंतः क्रिया को सक्रिय बनाते हैं। तीसरा है यह विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाते हैं। चौथा नंबर है शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। पांचवा नंबर है यह शिक्षण प्रक्रिया तथा व्यवहार को संयमित करते हैं। आगे देखेंगे हम शिक्षण कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं दोस्तों। तो इसकी विधि हम पढ़ेंगे। शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। इसमें पहला है शिक्षण कार्य अवलोकन विधि। आगे देखेंगे दूसरा नंबर है साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि। तीसरा नंबर है पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि। चौथा नंबर है शिक्षा सम्मति विधि। आगे देखेंगे हम कुछ प्रश्न हैं शिक्षण कौशल से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। ये अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शिक्षण कौशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें पहला है सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा DW Allen ने किया। आगे देखेंगे डॉक्टर वीके पाशी के ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी। यानी डॉक्टर वीके पाशी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी। तो दोस्तों वो है 13 सूचियां थी। आगे देखेंगे शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है। तो वो है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण को कहा जाता है। आगे देखेंगे चित्र तथा पोस्टर कौन से साधन हैं। तो दोस्तों यह दृश्य साधन है आपको, इसे टेलीविजन हो गया तो ये श्रव्य में आ जाएगा। आगे देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था।
तो वो V.F. स्किनर ने किया था। इसका हो जाएगा दृश्य तथा पोस्टर कौन से साधन सामग्री हैं, तो दृश्य है यानी जिसे हम देख सकते हैं वो दृश्य कहलाता है, और जिसे हम सुन सकते हैं वो श्रव्य कहलाता है, इससे चित्र को हम देख सकते हैं और पोस्टर को देख सकते हैं, टेलीविज़न को सुन सकते हैं तो वो हो जाएगा श्रव्य में, टेलीविज़न वो रेडियो और है। आगे देखेंगे, रेखीय विक्रम का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा V.F. स्किनर को, यानी रेखीय विक्रम का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो हो जाएगा V.F. स्किनर को। आगे देखेंगे, रेखीय अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी रेखीय अभिक्रमित को और किस नाम से जानते हैं, तो वो हो जाएगा बाह्य अभिक्रम। आगे देखेंगे, चलचित्र कैसा साधन है, तो दोस्तों ये है दृश्य और श्रव्य, दृश्य दृश्य और श्रव्य। आगे देखेंगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ब्रायन मोर जोन्स ने किए थे 1967 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था, तो वो NCERT ने नई दिल्ली से प्रारंभ किया था। अगला है, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्लेजर ने। अगला देखेंगे, शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो सिडनी एल ट्रेसी के द्वारा किया गया था, जो अमेरिका के हैं, 1926 ईस्वी में शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था। आगे देखेंगे, टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो हुई है टेक्निकोस यानी कला से। आगे देखेंगे, शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं, तो तत्व हैं 4 तत्व होते हैं, जिसमें पहला है उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन, ये 4 तत्व हैं। आगे देखेंगे, साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलेन एवं रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं, दोस्तों ये 14 कौशल हैं, 14 कौशल बताए हैं। आगे देखेंगे, OHP का पूरा नाम है, यानी OHP का आपको पूरा नाम लिखना है, दोस्तों ये हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। आगे देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, तो एक किया जाता है। आगे देखेंगे, भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था 15 सितंबर 1959 में हुआ था। आगे देखेंगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है, इसमें पहला है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री की उपागम के अंतर्गत आती है, तो वो है हार्डवेयर आती है। आगे देखेंगे, कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है, तो वो होता है ज्ञानात्मक पक्ष से। अगला देखेंगे, खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से छात्रों में किसका विकास होता है, तो होता है ज्ञानात्मक का विकास होता है। आगे देखेंगे, किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है, तो दोस्तों वो है उद्दीपन भिन्नता के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
V.S. व्ल्यूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एजर डेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे अस्थाई होता है, तो वो है प्रत्यक्ष अवलोकन। आगे देखेंगे, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है, तो छात्र और शिष्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व तो किसका होता है, तो दोस्तों ये होता है शिक्षक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रीपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि के किसके अंतर्गत आती है, तो दोस्तों ये आती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है, तो होता है छात्रों का विश्वास। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण होता है, तो दोस्तों वो होता है नीरस वातावरण, यानी वातावरण का अच्छा न होना। अगला है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है, तो हो जाएगा उद्देश्यहीन शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, तो वो है लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा है, तो दोस्तों वो हो जाएगा प्रभावी अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण बताइए, तो दोस्तों ये हो जाएगा शिक्षक छात्र विषम अनुपात। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है, तो आत्मसंतोष। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से किस प्रकार का कल्याण होता है, तो दोस्तों समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। आगे देखेंगे, यह किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, तो दोस्तों ये प्लेटो ने कहा है, कोरी स्लेट की तरह होता है शिशु का मस्तिष्क। अगला देखेंगे, किस विद्वान के द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए हैं, तो दोस्तों वो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। अगला है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में खोले गए थे। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है, तो वो है वार्तालाप करना, यानी आपस में बातचीत करना एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, तो वो फ्रोवेल ने की थी। कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है, दोस्तों वो है भ्रमण विधि। अगला देखेंगे, किस विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है, तो दोस्तों वो है टीपी नन। और देखेंगे, अगला है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है लेकिन बच्चों पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए, तो दोस्तों वो है गृह का बोझ नहीं डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसंतोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा से किसका कल्याण होता है, तो ये है समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है, तो वो है टीपी नन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज के आवासीय स्कूल
किस भारतीय पद्धति के समान है? तो वो गुरुकुल के समान है। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्वे हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास द्वारा। प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे? विलियम जेम्स थे। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकेन ने कहा था। गणित शिक्षण की कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उत्तम उपयुक्त मानी गई है? तो वो है एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना ज़्यादा जरूरी है? तो दोस्तों वो है पुस्तकालय का होना। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत द्वारा बालक में अभिरुचि का विकास होता है? तो वो है प्रेरणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया का सिद्धांत। आगे देखेंगे, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने शिक्षक भर्ती हेतु परीक्षा शिक्षण कौशल के बारे में लिए थे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज़।